सीएसआईआर नेट की परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी गई और शुभारती विश्वविद्यालय में जो परीक्षा चल रही है यहाँ पर जब एसटीएफ ने छापा मारा तो बड़ा खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो नकल माफिया है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आए। एसटीएफ ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो एग्जामिनेशन लैब थी उसके सर्वर रूम में लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में जो 2 लैपटॉप मिले हैं उनमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला, इसके साथ ही एक मोबाइल एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से मिला है जिसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और उनके सिस्टम की जो आईपी मिली है वो मिली है। और ये बताया जा रहा है कि बाहर से बैठा हुआ जो सॉल्वर है वो एग्जाम को सॉल्व करा रहा था और इस तरीके से जो नकल है वो नकल कराई जा रही थी। एसटीएफ को एक गुप्त सूचना मिलती है और एसटीएफ इसके बाद यहाँ पर छापा मारती है और छापा मारने के बाद जो बड़े नकल गिरोह का जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। शुभारती विश्वविद्यालय में जब यहाँ एसटीएफ ने छापा मारा तो 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जो कई बड़े खुलासे हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर इस नेटवर्क का बड़ा माफिया कौन है उसके बारे में जो एसटीएफ है वो तमाम छानबीन करने की जो कोशिश है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो नकल माफिया है वो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी परीक्षा हो जाती है कि जिसमें कहीं ना कहीं जो नकल माफिया है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं और जो नकल माफियाओं का नेटवर्क है उसे तोड़ने में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि सीएसआईआर की जो नेट परीक्षा चल रही थी उस नेट परीक्षा में फिलहाल जो 4 अभ्यर्थी हैं उनके बारे में जानकारी मिली है कि बाहर से जो सॉल्वर था वो एग्जाम सॉल्व कर रहा था। एक दिन पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो करीब 11 कर्मचारी है, जो 11 अभ्यर्थी है उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनको भी बाहर से जो सॉल्वर है वो एग्जाम सॉल्व करा रहा था। और जो शुभारती विश्वविद्यालय है मेरठ का वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, इसमें एक बड़े नेक्सस का जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन इसको लेकर जो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां की जाती है, तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है, लेकिन बावजूद इसके आखिर कैसे जो नकल माफिया है वो यहां पर सक्रिय हो जाते हैं और जो नकल माफियाओं के इस नेक्सस को तोड़ने में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो नाकाम है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में जो शुभारती विश्वविद्यालय है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उनका सीधा ये कहना है कि जो टीसीएस संस्था है उस टीसीएस संस्था की एग्जाम कराने की जिम्मेदारी थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो टीसीएस संस्था को के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो ये कैंपस है वो टीसीएस संस्था को किराए पर दिया हुआ था। सवाल बहुत है और शुभारती विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि कहीं ना कहीं एसटीएफ ने जिस तरीके से 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में कई बड़े इनपुट मिले हैं, इससे साफ हो जाता है कि जो नकल माफिया है वो लगातार सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं और सीएसआईआर की जो नेट परीक्षा थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो सेंध है वो लगा दी गई है। देखना यह होगा कि अभी तक जो 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं कुछ और जो कर्मचारी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कौन और ऐसे लोग हैं जो इस मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ये एसटीएफ की जांच का कहीं ना कहीं पहलू है और 3 कर्मचारियों से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और उसके बाद हो सकता है कि एक बड़े नेक्सस का और खुलासा हो कि आखिर वो लोग कहां बैठे हैं जो पूरे इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे, कितनी मोटी रकम वसूली गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, मेरठ के आसपास के जिलों के कौन कौन लोग शामिल है और कहां से ये पूरा जो सिस्टम है हैक करके इसको तरीके से नेक्सस को चलाया जा रहा था। अब देखना यह होगा कि एसटीएफ ने 3 कर्मचारियों को तो हिरासत में ले लिया है लेकिन अभी जो छोटी मछलियां हैं वो जरूर हाथ लगी हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कब एसटीएफ के हत्थे चढ़ते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।